दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में, और मैं करूंगा यहां पर आज सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का यहां पर जूम टेस्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते हैं यहां पर सैमसंग गैलेक्सी S21 का जूम टेस्ट। तो भाई इसमें जो कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही में 10 मेगापिक्सल का एक डिजिटली 100x तक जूम करने वाला कैमरा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो 10 मेगापिक्सल का 100x जूम वाला कैमरा है उसमें आप 10x ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको फ़ोटो लेने से पहले क्या करना है कि जो आपका कैमरा सेंसर है उसको भाई ढंग से यहाँ पर साफ़ कर लेंगे। और जब आप कैमरा यहाँ पर साफ़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब भी दोस्तों आप फ़ोटो शूट करें तो उससे पहले ज़रूर यहाँ पर कैमरा साफ़ कर ले। दोस्तों ये है कुछ इसका कैमरा UI, और इसमें 0.6 अल्ट्रा वाइड एंगल से आप 100x तक जूम कर सकते हो, जहाँ पर आपको 10x ऑप्टिकल जूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 10x ऑप्टिकल जूम की। तो इसमें बिल्कुल भी क्वालिटी लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको मैं यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर आईफोन के 10x से भी यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो भाई आईफोन का 7 प्लस है उससे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके 10x में, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। आईफोन 7 प्लस में आपको ऑप्टिकल जूम से 2x का देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर 100x जूम की, तो भाई आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर दोस्तों मून, और इसको आप अगर देखें तो कितना ज़्यादा यहाँ पर जूम होने वाला है, और दोस्तों क्लियरिटी अभी आप देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों जो ये साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऊपर, ये यहाँ पर स्टेडी मोड है इसका, जिससे कि दोस्तों आपका ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आपका शेक नहीं होता है फ़ोन। और भाई जो आप 100x पर इमेज यहाँ पर निकालेंगे मून की, वो काफ़ी सही यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको मैं दोस्तों बार बार दिखा रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर 30x जूम भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। 30x जूम में दोस्तों क्वालिटी मैं कहूँगा कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई बहुत सही क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। काफ़ी दूर दोस्तों ये बिल्डिंग्स थी जहाँ पर मैंने इसे कैप्चर किया है। बाकी दोस्तों इसके प्राइस के मुताबिक ये कैमरा दोस्तों काफ़ी सही आपको आउटपुट देने वाला है, नो डाउट, और जो क्लियरिटी है वो भी दोस्तों काफ़ी सही है। इसके बाद दोस्तों चलते से इसके 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस पर। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपोज़र कितने अच्छे से यहाँ पर लॉक कर लेता है। तो भाई जब मैं इसको एक्सपोज़र लॉक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल भी यहाँ पर ये एक्सपोज़र छोड़ता नहीं है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक्सपोज़र अभी लॉक किया, तो उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि अब मैं फ़ोन चाहे जितना मर्जी हिला लूँ, ये लाइटिंग कंडीशन सेम की सेम रहने वाली है। तो इसमें दोस्तों फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अगर आप एक कैमरा लवर है तो आप ज़रूर इस फ़ोन को लीजिए, पर भाई दोस्तों प्राइस यहाँ पर काफ़ी महंगा है दोस्तों। और इसमें जो UI है उसका बिल्कुल भी हैंग नहीं होता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 10x जूम ऑप्टिकल आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना यार, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट आप ज़रूर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ज़्यादा तो मैं बजट फ़ोन की ही वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय।